तारीफें मिलेंगी बेहिसाब जब समोसे बनेंगे लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद शाइना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त बहुत ही मजे के चिकन चाइनीज समोसे। ये मैंने गोभी और शिमला मिर्च दोनों को बारीक बारीक काट के मिक्स कर लिया। मैंने देख सकते हैं मैंने दो हिस्सों में रखी है बंद गोभी और ये मैंने हरा धनिया लिया। 2 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्च ली इसको बारीक बारीक काट लिया और एक मैंने स्मॉल साइज की प्याज ली है इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया और ये मैंने चिकन ली है थोड़ी सी। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून मैंने चाइनीज सॉल्ट लिया है। ये देखिए चाइनीज सॉल्ट लिया लेदा होता है लंबे लंबे से दाने होते हैं और ये 1/2 टेबल स्पून मैंने अदरक पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है। जो समोसे की पट्टियां ली है मैंने पानी लिया है हसबे जरूरत और ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मैदे की ली है ठीक है और ये चिली सॉस लिया है और ये सिरका लिया है जो इसमें ऐड हो। ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले सारी सब्जियां फ्राई हो गई क्योंकि चिकन हमारी पहले से बॉइल की हुई है। 2-3 मिनट के लिए हमें फ्राई करनी है ज्यादा नहीं करनी। हरी मिर्च हरा धनिया भी इसमें साथ ही ऐड कर दूंगी। देखिए लाइट से फ्राई करूंगी मैं इसे। ये देखिए सब मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें चिली सॉस और सिरका से ऐड कर दूंगी। चंद रो मैंने चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और बहुत जबरदस्त किस्म का स्टफिंग तैयार हो गई है हमारी। चिकन ऐड करके फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए स्टफिंग्स की तैयार हो गई बिल्कुल रेडी। ये देखिए स्टफिंग्स मैंने काटी हूँ। ये देखिए जी मैंने मैदा लिया 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया थोड़ा सा पानी लग गया इसको ये लही खोल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये समोसे की पट्टियाँ हैं। ये मैंने एक पट्टी के मैं पीसेस काट लिए थे अब इसको इस पर डबल करने के लिए यहाँ रखूँगी। ये रख लिया मैंने इस तरीके से। ये तरीका है बहुत ही अच्छा सा तरीका बहुत ही ईजी। ये भी ईजी है ज़्यादा मुश्किल नहीं है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको लेकिन है नहीं। ये करा ठीक है पीस को हमने ये करा ये कौन बन गई ठीक है कौन बन गई। इसको यहाँ से पकड़ लेंगे अब इसके अंदर अब चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं चाहे तो आप इसमें वैसे भी डाल सकते हैं हाथ से भी। करने के बाद अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी ये आटे की लही लगाएंगे जो मैंने बनाई हुई थी। अब इसको यहाँ से इस तरह चिपका देंगे। ये देखिए तैयार हो गया इस तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी। ये देखिए तैयार हो गए हैं सारे। ये देखिए हमारा वाय प्लेट हो चुका है मैंने पहले से रख दिया प्लेट होने के लिए। ये मैं समोसे उसमें डाल रही हूँ इसमें मानी रही हूँ। जबरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी इतने मजे के होम मेड चिकन चाइनीज समोसे रेडी हो गए। देख सकते हैं अपना प्यारा गोल्डन कलर के अंदर आया। इफ्तार का टाइम हो रहा है इफ्तार में आप जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी तो जबरदस्त बने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देखिए झटपट चिकन चाइनीज समोसा रेडी हो गया आप देख सकते हैं। अब इसको इफ्तार में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको थोड़ी देर दूंगी तो जबरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी ये चिकन चाइनीज समोसे तैयार हुए। ये देखिए बहुत गर्म हो रहे हैं इस वक्त। ये देखिए ये रोज़ा खा के दिखा नहीं सकती मैं आपको बने ना तो जबरदस्त।